IPL 2019 की शुरुआत में अब बस हफ्ते भर का समय बचा है, लेकिन क्रिकेट साउथ अफ्रीका मतलब साउथ अफ्रीकन क्रिकेट बोर्ड की तरफ से बुरी खबर निकल कर आ रही है। दरअसल दोस्तों साउथ अफ्रीका के बहुत सारे प्लेयर्स IPL के शुरुआती मैचों से बाहर होने वाले हैं। अब क्या ये पूरा मसला है, क्यों ये प्लेयर बाहर होने वाले हैं, क्या पूरी रिपोर्ट है, सब इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगा, तो एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिए। और दोस्तों अगर आप भी IPL फैन आर्मी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ इस वीडियो को लाइक करना है। तो लाइक का बटन नीचे से हिट कीजिए फटाफट, चैनल को लाइक कीजिए इस वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दरअसल दोस्तों IPL की शुरुआत तो 23 मार्च से हो जाएगी, क्योंकि 23 तारीख को RCB और CSK के बीच पहला मैच रात को शाम के समय 8 बजे से शुरू हो जाएगा चेपॉक स्टेडियम में। लेकिन श्रीलंका और साउथ अफ्रीका के बीच इस समय सीरीज चल रही है, और ये सीरीज का जो अंत है वो 24 तारीख को इसका फाइनल मैच खेला जाएगा। क्रिकेट साउथ अफ्रीका अपने प्लेयर्स को ये एडवाइजरी जारी कर चुका है कि आपको ये फाइनल मैच खेलना ही पड़ेगा, उसके लिए अभी अपनी अवेलेबिलिटी शो करनी ही पड़ेगी, और उसके बाद ही आप किसी भी लीग में खेलने के लिए जाए। ये एडवाइजरी है एक जो क्रिकेट साउथ अफ्रीका जारी कर चुका है, और अगर इस एडवाइजरी का पालन प्लेयर्स करते हैं तो किंटन डीकॉक, फाफ डू प्लेसिस, लुंगी नगीडी, इमरान ताहिर, कगिसो रबाडे, जितने भी प्लेयर्स हैं जो अलग अलग टीमों में खेल रहे हैं, अमूमन जो पहले मैच में किंटन डीकॉक भी अवेलेबिलिटी शो कर सकते थे, फाफ डू प्लेसिस भी उस मैच में खेल रहे हैं, लुंगी नगीडी भी है, तो इन प्लेयर्स के ऊपर खतरा मंडराने लगा है। अब इसमें गलती किसकी है ये भी सुन लीजिए, इसमें सीधी सीधी गलती है भाई BCCI की। BCCI की गलती दोस्तों इसमें इसलिए है क्योंकि अमूमन ICC के नियमों के अनुसार IPL की जो विंडो क्रिएट होती है वो विंडो क्रिएट होती है अप्रैल और मई में, और दूसरे क्रिकेट बोर्ड अपनी जो सीरीज है उनको मार्च के एंड तक खत्म कर लेते हैं ताकि उनके सारे प्लेयर अप्रैल में IPL खेलने के लिए रेडी हो जाएं। लेकिन इस बार क्योंकि चुनाव है तो BCCI ने IPL को 23 तारीख को शिफ्ट कर दिया है। ऐसी स्थिति में बहुत सारी सीरीज क्लैश हो रही है, श्रीलंका साउथ अफ्रीका की सीरीज क्लैश हो रही है, ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान की सीरीज क्लैश हो रही है, तो ऑस्ट्रेलिया के भी बहुत सारे प्लेयर्स जो खेल रहे हैं, अमूमन बहुत सारे प्लेयर शुरुआती फेज से बाहर रहने वाले हैं, तो ये बहुत बुरी रिपोर्ट है। हालांकि साउथ अफ्रीका के केस में ऐसा है कि प्लेयर्स के हाथ में भी है, अगर प्लेयर्स चाहे तो वो सीरीज को छोड़कर IPL में आ सकते हैं। अब प्लेयर्स क्या करेंगे ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन एक दिक्कत और है क्रिकेट साउथ अफ्रीका की तरफ से, वो ये है कि 12 मई के बाद साउथ अफ्रीका के सारे प्लेयर्स घर वापस लौट जाएंगे, साउथ अफ्रीका वापस लौट जाएंगे वर्ल्ड कप प्रिपरेशन के लिए, मतलब IPL का जो बचा हुआ शेड्यूल आएगा वो 12 तारीख से पहले खत्म हो जाना चाहिए, नहीं तो साउथ अफ्रीका के बहुत सारे प्लेयर पूरा सीजन एट द एंड ऑफ द टूर्नामेंट भी नहीं खेलेंगे। तो ये तो थी दोस्तों रिपोर्ट, अब इस पर आगे जो भी होगा वो आपको माय क्रिकेट प्रोडक्शन की तरफ से पता लग जाएगा, उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ।